गुड मॉर्निंग, ये सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो ये हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, ये लवी स्कूल जाती है तो ऐसे किसी दिन हंसती है किसी दिन रोती है, इनका यही है। तो आज तो हंस के गई है तो मेरा भी मन अच्छा था, तो यहाँ पे देखो कैसा हो गया है। फिर तो अब बज रहे सुबह के 7, यहाँ पे ना मेरा फ्रिज गंदा हो रहा था, इसमें दूध फैल गया था ऊपर से। तो मैं इसकी सारी की डीप क्लीनिंग कर लूँगी, वैसे तो डेली डेली होती रहती है ऊपर से, लेकिन पूरा पूरे जो भी अंदर के पार्ट्स होते हैं उनको निकाल के साफ कर लो एकदम से तो अच्छा हो जाता है। कम से कम 1 महीने में एक बार तो करना पड़ता है ये। इसमें दूध फैल गया था तो ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो इसके सारे पार्ट्स मैं निकाल लूँगी और एकदम से साफ कर लूँगी। और बता, ऐसे काफ़ी टाइम भी लग गया था, और जब भी मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो मेरी लाइट चली गई थी तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था। तो अब मैं आप सभी से ये 2 घंटे बाद का वीडियो, क्योंकि लाइट चली गई थी तो अंधेरा अंधेरा हो गया था। तो ये कर दिया है मैंने पूरा साफ, सारी सब्जियां भी धो के रख दी हैं। और मैंने ये है ना अंडा सीट की जगह लवी की वो थी एक बुक, उसके पेपर एकदम टाइट थे तो वो लगा दिए हैं मैंने। अंडर सीट नहीं है, मंगा लूँगी। ऐसे ये भी अंडर सीट का ही काम कर रही है एकदम, इतना अच्छा पेपर था ये कि इसमें कोई फैल भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक्स्ट्रा थी तो मैंने इनमें बगल में भी लगा दिए, तो कोई चीज़ फैल जाएगी ना तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। अब तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा के, नहाने से तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं नहा के। कर लिया मैंने छुटर पुटर छोटा मोटा सा मेकअप। अब मैं चलती हूँ मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए, तो आप भी चलिए मेरे साथ। तो कैसे कैसे बनाऊंगी आता होगा, क्योंकि सभी सब कुछ बना लेते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी पे कुछ नहीं आता है। तो मैंने ये दाल ना रात को ही भिगो के रख दी थी, इसको 2-3 बार पानी में साफ कर लिया है, और इसमें से पानी इतना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ना सारी को मैं मिक्सी में पीस लूंगी, और इसको बारीक पीसना है मुझसे। तो ये मैंने पीस ली है बिल्कुल बारीक, और जितना बारीक पीसे वो उतना सही रहेगा, क्योंकि फिर दरदरा सा ऊपर सा ऊपर लगता है ना, दरदरा रह गया है मोटा मोटा सा, तो अच्छा नहीं लगता है इतना। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया है घी, और इसमें हलवे में सबसे ज़्यादा घी ही लगता है, क्योंकि घी में ही ये पकता है, घी में ही सब कुछ होता है, और कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते इसमें रिफाइंड वगैरह। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सूजी ले लिया है साफ करके, और बेसन को भी छान लिया था। और इससे बेसन और सूजी डालने से ना थोड़ा सा अच्छा बनता है, इसमें जो दाने निकल के आते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, और बेसन से थोड़ा ना भुरभुरा सा लगता है। मैंने भी पहली बार ही ये दोनों चीज़ डाल के ट्राई की थी, वैसे तो दाल ही दाल सिर्फ डालते थे। तो यहाँ पे अब घी भी थोड़ा सा गर्म हो गया, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ गुनगुना होने लगे बस इतना ही। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को डाल देंगे, और पता है इसको थोड़ी मतलब स्लो ही गैस पर रखेंगे, बिल्कुल स्लो, और ये थोड़ा भून जाएगा ना बेसन और सूजी, तब इसमें हम डाल देंगे अपनी दाल। मैंने थोड़े से निकाल लिए हैं ड्राई फ्रूट्स ऊपर से, जो जब लास्ट में सारा हमारा हलवा बन के तैयार हो जाएगा तब ऊपर से गार्निश करने के लिए। और ऑप्शनल है, डाल सकते हो नहीं भी डाल सकते हो, कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि घी और जो दाल है वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इससे ही खा के इतना वो हो जाता है। लेकिन ये ऊपर डालने से ना अच्छा लगता है देखने में हलवा से। तो यहाँ पे घी कितना था सारा डालने पी लिया है, मतलब अपने पेट में डाल लिया है, और मुझसे थोड़ा सा घी ज़्यादा हो गया था इसमें। आप थोड़ा कम भी डाल सकते हो, वैसे इसमें घी की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है इसको भूनने में, यही जो स्टेप होता है यहाँ पे, तो अच्छी खासी मेहनत भी लगती है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको मैं कट कर लूँगी और छोटे छोटे टुकड़ों में, और ना इसको बिल्कुल स्लो गैस पर करना है, तो कम से कम 20 से 25 मिनट आराम से दाल भूनने में आपको लग जाएंगी इसमें। तो बाकी के बीच बीच में भी काम कर रही थी मैं, और ये भी कर रही थी, तो अच्छा लगता है बनाने में भी और खाने में भी, और अच्छी खासी मेहनत भी लग जाती है हमारी, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं लगती है इसको बनाने में। तो यहाँ पे ना चाशनी में इसमें अलग से बना के डालूंगी,
इसमें ही डाल देते हैं ना चीनी, तो और भी ज़्यादा पानी पानी सा हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो चुका है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर मैंने एक कप लिया है पानी, और इसमें डाल दूँगी अपनी मीठा। इसमें अपने हिसाब से डाल लेना, अगर आपको ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है खाना तो ज़्यादा भी चीनी डाल सकते हो, और कम अच्छा लगता है तो कम। तो यहाँ पर मैंने चायदानी में ही चाशनी बना ली थी, तो इसमें थोड़ा 1 कप से थोड़ा सा और ज़्यादा पानी डाला है मैंने, और थोड़ी सी अपने हिसाब से डाल दूंगी चीनी। तो बस इसको 10 से 8 मिनट तक स्लो गैस पे चिपचिपा करना है, इसको ज़्यादा वो नहीं करना है कि हार्ड वाली चाशनी बनानी है, सिर्फ चिपचिपा करना है, क्योंकि हम इसमें हलवे में डालेंगे, थोड़ा बहुत अगर पानी सा रह भी जाएगा तो इस हलवे में अच्छे से अब्जर्व हो जाएगा। तो जो घी में दाल डाली है ना, वो पकने को आ गई है, और मैंने गैस को बिल्कुल कर दिया है स्लो, क्योंकि स्लो गैस पर ही इसको शुरू से ही किया था, लेकिन मैंने और भी ज़्यादा इसको थोड़ा सा स्लो कर दिया है। और जो हमने चाशनी बनाने रखी थी तो उसमें भी चीनी मेल्ट हो गई है, तो उसमें उसको ज़्यादा नहीं उबालना है, क्योंकि उसको हार्ड नहीं करना है हमको। तो देखो कलर ऐसा हो जाए ना दाल का, थोड़ा सा ब्राउन, तभी उसमें हम डाल देंगे अपनी चाशनी। चाशनी भी मैंने बोला था ज़्यादा नहीं करनी, सिर्फ आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ थोड़ी सी हाथ में लेके, तो चाशनी हो गई। अब मैं कर दे रही हूँ गैस बंद, इसमें सिर्फ चीनी को घोलना है, और थोड़ी से 2-3 मिनट तक और उबाल आने देना है, तभी हमारी हो जाएगी बिल्कुल चाशनी रेडी। और आप लोग चाशनी बना के डालोगे ना तो बहुत अच्छा हलवा बनेगा, ना ये टाइटपन आएगा ना कुछ भी आएगा। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगी जो मैंने बनाई है चाशनी, उसको सिर्फ एकदम उबाल आ गया था। ये चाशनी भी गर्म थी, दही ये भी गर्म थी, तो देखने में तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, और खाने में भी आप लोगों ने को पता अगर खाते तो सच में बहुत अच्छा लगता। देख के बताना कैसा बना है, और एक बार ये इस तरह से ना ज़रूर ट्राई करना। वैसे आप लोगों ने बनाया होगा, लेकिन इस तरह से ना बनाना ज़रूर। देखो लग रहा है ना बिल्कुल हलवाई जैसा हलवा, यमी यमी सा, तो बहुत अच्छा बनाता है। एकदम ज़्यादा घी और ज़्यादा सही में घी इसमें मुझे देखने में भी ज़्यादा लग रहा था ना, लेकिन इसमें लास्ट में सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया था ना, तो ना अच्छा लग रहा था बिल्कुल हलवाई जैसा, जैसे हम शादी में जाते हैं रखा रहता है सेम ऐसा लग रहा है ना। तो प्लीज़ बताना ज़रूर, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, पूरा दिन हो गया था इसमें, क्योंकि मैंने भी पहली बार बनाया था ये, तो देखो मेरे पूरा चेहरा पसीना पसीना भी हो रहा होगा। तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए 1 लाइक ज़रूर कर देना, और बता देना कैसा बना है। और जो भी मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको अगर मैं वीडियो बनाती हूँ वो वीडियो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए उस वीडियो का, तो आप लोग देख सको। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से वो ड्राई फ्रूट्स कट किए थे, उनको भी मैंने डाल दिया है। तो मैंने बोला था ना इससे होता कुछ नहीं है, ड्राई फ्रूट से सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, और ज़रूरी नहीं है आप लोग डालो, हो तो डाल लेना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी मैं फिर से बोलूँगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट डे अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट ऑल।